गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रोडक्शन का एक नया टॉपिक देखते हैं। इट इज़ ड्रिलिंग मशीन। जो ड्रिलिंग मशीन से रिलेटेड मैंने आप लोगों को पहले ही पीपीटी एक सेंड कर दी थी, लेकिन उसमें ड्रिलिंग मशीन्स के बारे में था, ड्रिल टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन्स था और उसके थ्योरेटिकल पोर्शन थे। बट हियर आई एम कंसंट्रेटिंग ओनली कम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस। जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस या उससे रिलेटेड थ्योरी है उसकी तरफ हमने कंसंट्रेट किया है। और आप लोग ये देखेंगे कि ड्रिलिंग मशीन से या ड्रिलिंग से काफ़ी क्वेश्चन गेट और आईएएस एसरो सब में आते हैं। दीज क्वेश्चंस आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, बट हल्का सा आपको ध्यान रखना है, उन्हीं उसी थ्योरी पे कंसंट्रेट करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले पहले तो सिंपल ही मैंने डिफाइन किया ड्रिलिंग क्या है। तो ड्रिलिंग इज ए मशीनिंग ऑपरेशन बाई विच द होल्स आर प्रोड्यूस्ड इन वर्क पीस विद द हेल्प ऑफ फ्लूटेड एंड कटिंग टूल कॉल्ड ड्रिलर। तो विद द हेल्प ऑफ ड्रिलर वी हैव प्रोड्यूस्ड ए होल इन द मटेरियल, चाहे वो वुड में हो या किसी स्टील कास्ट आयरन, किसी मटेरियल में अगर होल प्रोड्यूस करना है तो हम क्या करते हैं, ट्विस्ट ड्रिल की हेल्प से होल प्रोड्यूस करते हैं। अब ड्रिलिंग के साथ साथ कुछ प्रोसेस हैं जो ड्रिलिंग जैसे ही होते हैं, ठीक है, या ड्रिलिंग से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अदर प्रोसेस अलाइड टू ड्रिलिंग इंक्लूड। इसमें देखो कुछ प्रोसेस हैं जिनसे भी क्वेश्चंस कभी कभार थ्योरेटिकल पूछे गए, बहुत छोटी छोटी थ्योरी पूछी गई है, जैसे बोरिंग है, रीमिंग है, टेपिंग है, काउंटर सिंकिंग है, काउंटर बोरिंग है, स्पॉट फेसिंग है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बनते हैं इनसे थ्योरेटिकल आईएएस इसरो में, तो गेट में ही बने हुए हैं। तो इस थोड़ी थोड़ी थ्योरी को भी हम देखते चलेंगे इन टॉपिक से भी। अब देखते हैं ट्विस्ट ड्रिल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे एक न एक क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकल जरूर पूछ लिया जाता है। तो ट्विस्ट ड्रिल देखते हैं क्या है। द मोस्ट कॉमन टूल यूज इन ड्रिलिंग मशीन इज द टू फ्लूटेड ट्विस्ट ड्रिल। जनरली हम मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन के अंदर दो तरह के टूल की स्टडी करते हैं। पहला टूल है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स, जो कि टर्निंग में हम यूज करते हैं, और दूसरा है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स, जैसे मिलिंग वगैरह इन सब चीज़ों में यूज करते हैं, या फिर जैसे ग्राइंडिंग व्हील्स, इसमें भी हम मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स ही मानते हैं उसे। लेकिन यहाँ पे जो ट्विस्ट ड्रिल है, ये दो, ये ना सिंगल पॉइंट में आता है ना मल्टी में आता है, ये टू पॉइंट्स पे कटिंग करता है। दीज आर टू एजेस विच कट द मटेरियल। तो इसके दो मतलब सिंगल पॉइंट मल्टी पॉइंट ना होके इसके टू पॉइंट पे कटिंग होती है। देखते हैं, ड्रिल हैज थ्री पार्ट्स। ड्रिल के तीन पार्ट होते हैं, सेंक, बॉडी एंड पॉइंट। तीन पार्ट्स हैं इसके, एक तो सेंक है, बॉडी है एंड पॉइंट है। आगे हम ज्योमेट्री में देखेंगे, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा स्टेप देख लेते हैं थ्योरेटिकल। द सेंक ऑफ द ड्रिल इज यूज फॉर होल्डिंग एंड रोटेटिंग द ड्रिल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सेंक जो है ऐसा पार्ट है जिसे होल्ड करने के लिए ये हम यूज करते हैं। इट हैज द टू कटिंग एज एंड टू अपोजिट स्पायरल फ्लूट्स कट इन टू इट्स सरफेस, ठीक है। स्पायरल शेप में इसके ऊपर फ्लूट्स जो है प्रोवाइड करते हैं। These flutes, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, serve to provide the clearance to the chip produced at the cutting edge. They also allow the cutting fluid to reach the cutting edge. आप लोगों ने देखा होगा कि जो ट्विस्ट ड्रिल होता है, इसके ऊपर स्पायरल शेप में कटिंग एज से लेके जब तक सेंक नहीं आ जाता, ऊपर तक के पार्ट में स्पायरल शेप में जो है मटेरियल मूव करता हुआ ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई देता है। तो ये स्पाइरल शेप में जो मटेरियल बाहर की तरफ लगा हुआ है, इसे हम बोलते हैं फ्लूट्स। इसका मेन काम यह है कि अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है तो ऊपर से हम अगर कटिंग फ्लूड यूज करते हैं, अगर उसमें इंसर्ट करते हैं तो ये कटिंग एज तक पहुंच जाए, पहली चीज। दूसरा ये है कि जो चिप प्रोड्यूस हो रही है, दैट चिप विल मूव ऑटोमेटिकली इन अपवर्ड डायरेक्शन और विद द हेल्प ऑफ फ्लूट्स इट विल मूव आउट। होल से जो है बाहर ये आ जानी चाहिए, ठीक है ना। तो फ्लूट्स का काम क्या रहा, इसके दो काम रहे फ्लूट्स के। नंबर वन इसका काम रहा सप्लाई द कटिंग फ्लूड। जो आप कटिंग कर रहे हैं उस समय कूलिंग के लिए जो फ्लूड यूज कर रहे हैं, दैट फ्लूड विल रीच टू द कटिंग एज। दूसरा काम रहा प्रोवाइड द पैसेज टू फ्लो द चिप। तो चिप के फ्लो के लिए पैसेज प्रोवाइड करना है, इसके दो काम है। द ट्विस्ट ड्रिल मेड बाई हॉट फॉर्जिंग, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, हॉट फॉर्जिंग के थ्रू बनाया जाता है एंड देन ट्विस्टेड टू प्रोवाइड द टॉर्जन रिजल्ट, ठीक है।
ये फेल ना हो जाए तो टॉर्जनल रिजिडिटी प्रोवाइड करने के लिए मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी जो है दैट विल बी इम्प्रूव्ड बाय द हेल्प ऑफ हॉट फॉर्जिंग। द टैंग जो सबसे इनिशियल पार्ट होता है आपका ट्विस्ट ड्रिल का, दैट इज द टैंग एट द एंड ऑफ टेपर सेंग फिट इन टू ए स्लॉट इन स्पिंडल। तो टैंग का काम क्या है, एक तरह से ग्रिपिंग प्रोवाइड करना जब आपका टूल स्पिंडल के अंदर फिट किया जाएगा। द टैंग हेल्प टू ड्राइव द ड्रिल, ड्रिल को ड्राइव करने में हेल्प करता है, प्रिवेंट इट फ्रॉम द स्लिपिंग एंड प्रोवाइड ए मीन्स ऑफ रिमूविंग इट फ्रॉम द स्पिंडल। तो कुल मिला के ये है कि ये जो है आपका कटिंग टूल है, जो आपका ट्विस्ट ड्रिल है, इसे स्पिंडल के अंदर फिट करने के लिए, ये एक तरह से वहाँ ग्रिपिंग मजबूत करने के लिए यूज किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द स्ट्रेंथ ऑफ ड्रिलर, ड्रिलर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, द कटिंग एज इज थिकेंड ग्रेजुअली फ्रॉम द बॉटम। हम क्या करते हैं कि जो कटिंग एजेस हैं उनकी थिकनेस सेम नहीं रखते, हम बॉटम पे थिकनेस कम रखते हैं और आउटर एंड पे ज्यादा रखते हैं, जिससे कि स्ट्रेंथ बनी रहे, फेलियर ना आए। क्योंकि जो ड्रिलर मूव करता है जब आउटर डायरेक्शन में है, तो उसकी जैसे कोई ड्रिलर है, अगर ये रोटेट करता है, तो रोटेट करने के ड्यूरेशन में इसके जो पेरीफेरी है यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होता है। तो टेंजेंशियल फोर्स मैक्सिमम होने की वजह से यहाँ पे जो आउटर एज है, यहाँ पे थिकनेस जो है ज्यादा दी जाती है। इट इज टर्म्ड एज बेव, इससे ही हम बेव कहते हैं। द बेव सपोर्ट द ड्रिलर कटिंग एज एंड कंप्रेस द चिप फ्लो ओवर द फ्लूट, सो द थ्रस्ट फोर्स इज इंक्रीजिंग विद द इंक्रीज ऑफ बेव, ड्यू टू दैट द थिकनेस ऑफ बेव ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम बॉटम टू अपर पार्ट। तो कभी कभार पूछ लिया जाता है इंटरव्यू, व्हाट इज द वेव, वेव इज नथिंग बट इट इज ए मटेरियल, एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइडेड बिलो द कटिंग एज दैट विल इंक्रीजिंग फ्रॉम बॉटम टू द टॉप। ठीक है, तो हमने यहाँ आप देख सकते हैं ये यहाँ लिखा हुआ वेव, ये क्या है कि देखो यहाँ थिकनेस कम है, यहाँ थिकनेस ज्यादा है, तो कटिंग एज के नीचे नीचे इस तरह से एक्स्ट्रा मटेरियल बढ़ता हुआ थिकनेस में आउटर डायरेक्शन में प्रोवाइड किया जाता है, उसे हम वेव कहते हैं। इसका काम क्या है, टूल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। आगे देखते हैं, ये देखो आपके कटिंग टूल की ज्योमेट्री है, जो जिस टैंक की मैं बात कर रहा था वो टैंक ये है, ये क्या करता है जब हम टूल, और ये वाला पार्ट जो है सेंक है, ये वाला पार्ट टोटल ही सेंक बोला जाता है, जहां पे किसी तरह का कोई प्रोजेक्शंस नहीं है ये वाला। इसके बाद नीचे वाला जो पार्ट है इसे फ्लूटेड एंड बोलते हैं, इसमें स्पायरल शेप में फ्लूट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये फ्लूट्स जो है इसके नीचे जब आते हैं तो यहाँ से ये कटिंग एजेस हैं, ये कटिंग एजेस हैं, लिप लेंथ बोलते हैं, और ये जो एंगल है इसे पॉइंट एंगल या लिप एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले हेलिक्स एंगल, हेलिक्स एंगल इज द एंगल बिटवीन द लीडिंग एज ऑफ द लैंड एंड द एक्सिस ऑफ ड्रिल। तो जो ड्रिल की एक्सिस है ये वाली, ये क्या है, ये ड्रिलर की एक्सिस है, और जो आपकी लैंड है ये आउटर डायरेक्शन में यहाँ पे कटिंग एज पे करेगा, चिप फ्लो करेगी, तो ये दोनों के बीच में ये वाला जो एंगल है दैट इज द हेलिक्स एंगल। अब देखो हेलिक्स एंगल की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, इट इज अराउंड 60 डिग्री। ये देखो ये 60 के आसपास ही लग रहा है, अगर 90 होता तो ये यहाँ से यहाँ तक होता। ठीक है, तो इस तरह से एक न्यूमेरिकल भी आया हुआ है गेट में, देखो 1999 में, द हेलिक्स एंगल ऑफ द फर्स्ट हेलिक्स ड्रिल इज नॉर्मली, इसका आंसर होगा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के आसपास होता है। अब दूसरी चीज क्या आती है, द एक्सियल रैक एंगल इज द एंगल बिटवीन द फेस एंड द लाइन पैरेलल टू द ड्रिल एक्सिस एट द पेरीफेरी ऑफ ड्रिल, इट इज इक्वल टू हेलिक्स एंगल। तो सिंपली है क्या, जो रेक एंगल बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है ड्रिलिंग के केस में, और रेक एंगल कॉन्स्टेंट नहीं रहता, रेक एंगल जो है वेरी करता है फ्रॉम सेंटर टू आउटर डायरेक्शन में, और जब ये पेरीफेरी पे पहुंच जाता है तो इट इज इक्वल टू हेलिक्स एंगल। ठीक है, तो इसमें कहा गया है द एक्सियल रेक एंगल इज द एंगल बिटवीन द फेस एंड द लाइन पैरेलल टू ड्रिल एक्सिस। तो ड्रिल एक्स कहीं पे भी आप देखेंगे तो ड्रिल एक्सिस के पैरेलल आप लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और जो पेरिफेरी होगी उसके बीच में जो एंगल होगा वो एक्सियल रैक एंगल होगा। तो देखो एक क्वेश्चन आया है एक्सियल रैक एंगल से भी, द रैक एंगल इन ए ड्रिल इंक्रीज फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी, तो यही राइट आंसर होगा इसका। ये क्या होगा, सेंटर से लेके पेरिफेरी तक इंक्रीज करेगा, कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा, ये गलत है। डिक्रीज फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी नहीं, सेंटर से बाहर की तरफ बढ़ेगा, इज रिलीवेंट टू ड्रिलिंग ऑपरेशन, ये तीनों ही गलत है, तो इंक्रीज फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी, इसलिए मैंने ये थ्योरी रखी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे समझ लें। सम टाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पायरल एंगल या हेलिक्स एंगल, एक ही बात है। इन जनरल लिप एंगल ऑफ 118 डिग्री इज फाउंड टू बी सुइटेबल फॉर माइल स्टील एंड अदर जनरल मटेरियल,
लार्जर वैल्यू आर यूज फॉर हार्ड मेटल मटेरियल एंड स्मॉलर वैल्यू फॉर सॉफ्टर मटेरियल। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है कि जो लिप एंगल है, जो ये एंगल, ये वाला एंगल है, यहाँ से आते हैं लिप एंगल या पॉइंट एंगल बोलते हैं। ये जो एंगल है ये मटेरियल पर डिपेंड करता है कि हार्ड मटेरियल की कटिंग कर रहे हैं या सॉफ्ट की कर रहे हैं। अगर हार्ड की कर रहे हैं तो लिप एंगल ज्यादा होगा, सॉफ्ट की कर रहे हैं तो कम होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया गया, देखो जैसे हार्ड मटेरियल है तो 136 है लिप एंगल, सॉफ्ट नॉन फेरस मटेरियल है तो 90 डिग्री है, हार्डेंड स्टील है तो 125, अगर वुड की कटिंग कर रहे हैं तो लिप एंगल 60 डिग्री है। तो लिप एंगल किस पर डिपेंड करता है? लिप एंगल जो है आपका वो डिपेंड करता है कि मटेरियल किस मटेरियल की आप किस मटेरियल के अंदर ड्रिलिंग कर रहे हैं। तो देखो एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, इट ट्विस्ट ड्रिल स्मॉल और लॉ स्मॉल ऑब्लिक लार्ज पॉइंट एंगल एंड स्मॉल लार्ज हेलिक्स एंगल आर प्रोवाइडेड फॉर ड्रिलिंग सॉफ्ट लो स्ट्रेंथ मटेरियल। तो सॉफ्ट मटेरियल के लिए हम क्या करते हैं? स्मॉलर लिप एंगल प्रोवाइड करते हैं। तो पहले वाले में ये खाली स्पेस में क्या आ जाएगा? स्मॉलर। लेकिन जब मटेरियल मटेरियल हमारा सॉफ्ट होगा तो हमारी कंटिन्यूस शेप फॉर्म होगी, कंटिन्यूस शेप फॉर्म होगी तो हमें क्या चाहिए? लार्ज हेलिक्स एंगल चाहिए। तो क्या चाहिए? लार्ज हेलिक्स एंगल। तो स्मॉलर क्या होना चाहिए? लिप एंगल सॉफ्टर मटेरियल के लिए, और लार्ज क्या होना चाहिए? हेलिक्स एंगल। ठीक है, ये 1988 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, द टू कटिंग एज ऑफ द ड्रिल शुड बी इक्वल इन लेंथ। ठीक है, जो दो कटिंग एजेस हैं, जो फेसेस हैं, वो लेंथ में क्या होंगे? इक्वल होंगे एंड हैव द सेम एंगल विद द ड्रिल एक्सिस। दोनों का एंगल सेम होगा, अदरवाइज क्या होगा? देयर विल बी अन इक्वल कटिंग फोर्स अलोंग द कटिंग एज कॉजिंग ए टॉर्जनल लोड, दिस विल कॉज द ड्रिल टू वियर आउट क्विकली, ऑल्सो द होल प्रोड्यूस विल बी ओवरसाइज। तो जो मैंने बताया था कि जो ड्रिलर है इसके जो एंड है यहाँ पे, इनकी जो लेंथ होगी, जो ये दोनों लेंथ दीज आर इक्वल, और इनके बीच में जो एंगल होगा ये वाला, ये एंगल और ये एंगल, जो टोटल एंगल लिप एंगल बताया था आधा आधा, ये दोनों ही इक्वल होंगे। अदरवाइज क्या होगा? अनइक्वल फोर्स प्रोड्यूस होंगे यहाँ पे, और अनइक्वल फोर्स प्रोड्यूस होने की वजह से जो है टूल ओवर साइज प्रोड्यूस होगा, बियर एंड टियर होगा और एक्स्ट्रा टॉर्क डेवलप हो जाएगा। ये आप ध्यान रखें। इसके बाद देखते हैं ड्रिलिंग टाइम एस्टिमेशन। इसी से न्यूमेरिकल हमेशा आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप समझ लें। तो द मशीनिंग टाइम रिक्वायर्ड इन ड्रिलिंग, किसी भी मशीनिंग ऑपरेशन में जो टाइम होता है वो क्या होता है? जैसे आप लोग हम पढ़ते हैं टी एम इज इक्वल टू टोटल लेंथ डिवाइड बाई फीड एफ इंटू एन। ठीक है, जहां पर एल क्या होगा? टोटल लेंथ होती है हमेशा, आप ध्यान रखते हैं टोटल लेंथ एमएम में आप यूज करते हैं। फीड जो है आपकी इसमें होता है एमएम पर रिवॉल्यूशन में, और जो कैपिटल एन है इट इज द आरपीएम। तो जो आपका टाइम आता है इट इज इन मिनट, इतना आप लोगों को पता है, वही यहाँ पे यूज होगा। तो टी एम मशीनिंग टाइम इज इक्वल टोटल लेंथ ट्रेवल बाय द ड्रिलर डिवाइड बाय एफ इंटू एन। टोटल लेंथ ट्रेवल जो होगा वो कितना होगा ड्रिलर के थ्रू? लेंथ ऑफ द वर्क पीस, ये स्मॉल एल, ये जो वर्क पीस के अंदर ड्रिल कर हमें होल क्रिएट करना है उसकी लेंथ, प्लस अप्रोच लेंथ, जो अप्रोच लेंथ है, प्लस ओवर ट्रेवल। ओवर ट्रेवल कितना हुआ? तो ये आपकी अप्रोच लेंथ हो गई, ठीक है, और ओवर ये क्लियरेंस वगैरह जो प्रोवाइड किया है ये ओवर ट्रेवल है। तो टी एम इज इक्वल टू स्मॉल एल प्लस ए प्लस ओ डिवाइड बाई एफ इंटू एन मिनट। एफ जो है फीड ऑफ ट्विस्ट ड्रिल किसमें दी गई है? मिलीमीटर पर रिवॉल्यूशन में। एन इज द आरपीएम ऑफ ड्रिलर, एल इज द लेंथ ऑफ वर्क पीस। अब हमारा काम है कि अप्रोच लेंथ प्रोवाइड करना। तो ये आप मैंने बताया था ये एंगल क्या है? टू अल्फा होता है। ये वाला एंगल क्या है? टू अल्फा है। कितना है? टू अल्फा। तो ये वाला एंगल क्या बचा? सिर्फ अल्फा। तो आपको क्या निकालना है? ये वाली लेंथ निकालनी है। तो आप सीधा निकाल सकते हैं टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया? ये वाली पार्ट रेडियस ऑफ द टू इसकी रेडियस डिवाइड बाई अप्रोच लेंथ। अप्रोच लेंथ क्या हो गया? रेडियस ऑफ द ड्रिलर डिवाइड बाई टेन अल्फा। ठीक है, इस फॉर्मूले को हमेशा आप याद रखेंगे, ए इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई टेन अल्फा। अब आपको याद रखने की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। आपकी अप्रोच लेंथ किस में होगी? एमएम में। तो आर हमेशा ऊपर आएगा, टेन से नीचे डिवाइड कर देना, कुछ भी अगर ध्यान ना रहे तो। सिंपली ए इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई टेन अल्फा है, आपको तुरंत याद हो जाएगा। अब आर इज इक्वल टू क्या है? डी बाई टू। तो यहाँ डी बाई टू रख दो, सिंपल है। तो आपको ड्रिलिंग मशीन के अंदर करना क्या है? आपको अप्रोच लेंथ निकालनी है आर डिवाइड बाई टेन अल्फा, ठीक है, और उसके बाद टोटल लेंथ निकाल लेनी है, अप्रोच लेंथ प्लस वर्क पीस की लेंथ प्लस ओवर ट्रेवल, और टी एम निकाल देना एल डिवाइड बाई एफ इंटू। ये तीन स्टेप आपको यूज करने हैं और सारे न्यूमेरिकल इसी से आते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं।
मटेरियल रिमूवल रेट। जनरली मटेरियल रिमूवल रेट आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में डिस्चार्ज पढ़ा है। डिस्चार्ज क्यू बराबर क्या होता है, ए इंटू वी, ये किस में आता है, मीटर क्यूब पर सेकेंड या मीटर मीटर क्यूब पर मिनट में आता है। तो एरिया ए जो आपने ड्रिल किया और जो वेलोसिटी है ये कुल मिला के डिस्चार्ज देती है। तो यहाँ पे भी सेम रहता है, तो मटेरियल रिमूवल रेट पाई आर स्क्वायर, ये वेलोसिटी बनाने के लिए क्या है एफ इंटू एन। तो क्या हो गया मटेरियल रिमूवल रेट सिंपल है, यहाँ पे ऐसे लिख लो पाई 4 इंटू डी स्क्वायर एफ इंटू एन, दिस इज द मटेरियल रिमूवल रेट। और ये किस में आ जाएगा, अगर आरपीएम एन आप आरपीएम में यूज कर रहे हैं तो ये मिलीमीटर क्यूब पर मिनट में आ जाएगा। अब जो वेलोसिटी है पेरीफेरी की, जो ड्रिलर की वेलोसिटी है वो क्या है, पाई डी एन बाई 1000 मीटर पर मिनट। ठीक है, आप ध्यान रखें हमेशा, हमने यहाँ नोट करके लिख दिया है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्पीड इज गिवन टू फाइंडिंग द एन ऑफ ड्रिलर। हमेशा न्यूमेरिकल के अंदर, पहले ही मैंने बताया कि वो आपको न्यूमेरिकल के अंदर स्पीड दी जाती है, तो हमेशा उसका काम है कि आरपीएम एन निकाल के और आप कहीं ना कहीं उसे यूज करें, चाहे मटेरियल रिमूवल रेट में यूज करें या फिर अप्रोच लें निकाल के और आगे टाइम निकालने में यूज करें। ठीक है, इसके बाद न्यूमेरिकल देखते हैं, सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल है। देखो गेट 2014 में न्यूमेरिकल आया है, क्या है, ए होल ऑफ 200 मिलीमीटर डायमीटर। तो डायमीटर आपको दे दिया 20 mm, 20 mm डायमीटर इज टू बी ड्रिल इन स्टील ब्लॉक ऑफ 40 mm थिकनेस, स्मॉल एल ले दी 40 mm थिकनेस में आपको ड्रिल करना है। ड्रिलिंग इज परफॉर्म एट रोटेशन एंड स्पीड एन इज इक्वल टू 400 rpm, ये 400 rpm पे परफॉर्म करना है। फीड रेट आपको दे दिया 0.1 mm पर रिवॉल्यूशन। द रिक्वायर्ड अप्रोच एंड ओवर ट्रेवल ऑफ द ड्रिल टूगेदर इक्वल टू रेडियस, अप्रोच प्लस ओवर ट्रेवल दोनों की वैल्यू कितनी होगी, डी बाई टू के बराबर। इसने कहा टूगेदर दोनों मिला के जो है रेडियस के बराबर है, ड्रिलिंग टाइम निकालना है। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, स्मॉल एल प्लस ए प्लस ओ, स्मॉल एल प्लस डी बाई टू, स्मॉल एल कितना दिया 40 प्लस 10 50 mm, तो 50 mm आपकी इफेक्टिव लेंथ हुई। तो मशीनिंग टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया, एल डिवाइड बाई एफ इन टू एन। तो टी एम इज इक्वल टू कितना हो गया, लेंथ कितनी है 50 mm, एफ कितना है आपका 0.1 और एन कितने दिए 400। तो टी एम इज इक्वल टू कितना हो गया, 50 डिवाइड बाई 40, टी एम इज इक्वल टू आ गया 1.25। तो आपका कौन सा हो गया, बी ऑप्शन, सिंपल है, गेट 2014 का क्वेश्चन। अब देखेंगे इसी पैटर्न पे हर एक दो साल में छोड़ छोड़ के क्वेश्चन गेट का आया है, तो आप एक पैटर्न पे ये क्वेश्चन तो 2 नंबर का तैयार कर ही सकते हैं। आप देखेंगे दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल इससे मिलता जुलता होगा। इन ए सिंगल पास ड्रिलिंग ऑपरेशन ये थ्रो ऑल ऑफ 15 mm डायमीटर इज टू बी ड्रिल। तो यहाँ देखो 15 mm डायमीटर का होल किया गया, इन्हें स्टील प्लेट ऑफ 50 mm थिकनेस, अब 50 mm उसकी थिकनेस दे दी। ड्रिल स्पिंडल स्पीड आपको दे दी 500 rpm और आपको देखो फीड दे रहा है 0.2 mm पर रिवॉल्यूशन। अब आप यहाँ पे ड्रिल पॉइंट एंगल आपको दे दिया 2α, दे दिया 118। ध्यान रख लो जब पॉइंट एंगल दिया तो 2α होगा, तो अल्फा इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, अल्फा आपका आ गया 118 डिवाइड बाई 2, आपका आ गया 59 डिग्री। ठीक है, अज्यूमिंग 2 mm क्लियरेंस एंड अप्रोच एंड एग्जिट। ठीक है, अज्यूमिंग 2 mm क्लियरेंस एट अप्रोच एंड एग्जिट टोटल ड्रिल टाइम। तो इसने कहा कि जो क्लियरेंस दिया है वो आपका एंट्रेंस और एग्जिट पे दे दिया, तो इफेक्टिव लेंथ क्या हो गई, स्मॉल एल प्लस ए प्लस क्लियरेंस टोटल क्लियरेंस सी टी टोटल क्लियरेंस। ठीक है, तो अप्रोच लेंथ आपको पहले ही मैंने बताया, सिंपल निकाल लो डी वाई टू टेन अल्फा। इस फॉर्मूले को बार बार डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, तुरंत याद होना चाहिए। तो आपका डायमीटर 15 है, 2 × 10 कितना हो गया, अल्फा की वैल्यू आपकी दी है 59, तो आप दे सकते हैं अप्रोच लेंथ कितनी आ गई, तो अप्रोच लेंथ आ गई 2 / 10 59, तो अप्रोच लेंथ आपकी आ गई 4.50, कितनी आ गई 4.50 mm। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई आपकी, तो टोटल लेंथ हो गई 50 प्लस अप्रोच लेंथ 4.5 टोटल क्लियरेंस। अब टोटल क्लियरेंस कितना दिया है, 2 mm क्लियरेंस एट अप्रोच, अज्यूमिंग 2 mm क्लियरेंस एट अप्रोच एंड एग्जिट, तो 2 mm अप्रोच पे 2 एग्जिट पे, तो कितना हो गया प्लस 50 प्लस 4 हो गया 58.50 mm। मशीनिंग टाइम कितना हो जाएगा, टी एम इज इक्वल टू
एल डिवाइड बाई एफ इंटू एन, कितना हो गया 58.50 डिवाइड बाई एफ इंटू एन। एफ इंटू एन, एफ की वैल्यू कितनी दी गई है, एफ दिया है 0.2, आरपीएम कितना दिया गया 500। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आया, 58.50 डिवाइड बाई 0.2 डिवाइड बाई 500, ये आ गया 0.585 किस में आए, मिनट में, ये पूछ रहा होगा सेकंड में, तो 60 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आ गया 35.1 सेकेंड। तो आपका ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी इसी टॉपिक पर आया, सेम कॉन्सेप्ट है। देखो ये 2004 में आया, थ्रू होल ऑफ 10 मिलीमीटर डायमीटर ऑफ क्यूबिटल, यहाँ डायमीटर दे दिया 10 mm, प्लेट थिकनेस दे दी 20 mm, ड्रिल स्पिंडल स्पीड दे दी आपको, सारे डेटा दे रहा है 300 RPM, फीड आपको दे दी 0.2 mm पर रेवोल्यूशन। ठीक है, इसके बाद अल्फा दे दिया 60 डिग्री, अज्यूमिंग ड्रिल ओवर ट्रबल ऑफ 2 mm, ओवर ट्रबल दे दिया 2 mm, द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द होल, द सिंपल अप्रोच लेंथ डी डिवाइड बाई 2 tan alpha, डी की वैल्यू कितनी दी है आपको 10 mm, 2 × 10 60, तो अप्रोच लेंथ कितनी आ गई 10 / 2 / 10 60, तो अप्रोच लेंथ आ गई 2.88 mm। ठीक है, तो टोटल इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी, स्मॉल ए प्लस ओ, स्मॉल एल कितनी दी है आपको, जो थिकनेस है 20 mm प्लस अप्रोच लेंथ 2.88 प्लस ओवर ट्रेल 2, तो कितना हो गया प्लस 20 प्लस 2, ये आ गया 24.88 mm। तो मशीनिंग टाइम टी क्या हो जाएगा, एल डिवाइड बाई एफ इन टू एन, एल कितना है आपका 24.88, एफ कितना है 0.2 × 300 डिवाइड बाई 0.2 डिवाइड बाई 300 × 60, तो आ गया टी एम आपका 25 सेकेंड, तो आपका बी ऑप्शन हो गया। तो आप देख रहे हैं एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आप इसे तैयार अच्छे से कर सकते हैं। अब देखो ये सिंपल और क्वेश्चन, द टाइम टेकन टू ड्रिल ए होल थ्रू ए 25 mm थिक प्लेट, इसमें दे दिया थिकनेस जो है स्मॉल एल जो भी दिया 25 mm, ड्रिल रोटेटिंग एट एन इज इक्वल टू 300 RPM, और फीड दे दी आपकी 0.25 mm पर रेवोल्यूशन। देखो इस न्यूमेरिकल में तो बहुत आसान है, इसमें ना तो आपको लिप एंगल दिया है ना और कोई चीज़ दी है, तो जरूरत नहीं है अप्रोच लेंथ और ओवर ट्रबल निकालने की, नो नीड, कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा सा यूज करें टी एम बराबर एन डिवाइड बाई एफ एन। तो यहाँ से आप देखेंगे 25 / 0.25 × 300, ठीक है, तो देखो 100 / 300 × 60, ये आ जाएगा 20 सेकेंड, तो टी एम आपका डायरेक्ट आ गया। कितना आसान है मतलब ड्रिलिंग से, और एक न्यूमेरिकल हमेशा आपको मिलेगा जरूर, एक न्यूमेरिकल मिलेगा जरूर, लेकिन और आप इसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए ड्रिलिंग को अच्छे से तैयार कर लो। इसके बाद ड्रिलिंग फोर्स एस्टिमेशन, इससे हालांकि बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल गेट में नहीं आए हुए हैं, लेकिन कभी कभार छोटी मोटी चीजें पूछ लेता है, तो हमें याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लेते हैं, टू मेजर फोर्स इज जनरेटेड एट द टाइम ऑफ ड्रिलिंग ऑपरेशन, नंबर वन टॉर्क और थ्रस्ट फोर्स। ठीक है, द टॉर्क एक्टिंग ऑन द ट्विस्ट ड्रिल इज गिवन बाय सी इज द कांस्टेंट डी पावर 1.9 एन टू एफ पावर 0.8 न्यूटन mm। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ द टॉर्क टी इज द फंक्शन ऑफ डायमीटर ऑफ द ड्रिलर इन टू द फीड रेट, दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप ट्विस्ट ड्रिल का डायमीटर बढ़ाएंगे तो टॉर्क बढ़ेगा, अगर फीड रेट बढ़ाएंगे तो भी टॉर्क बढ़ेगा। द टॉर्क ऑन द ट्विस्ट ड्रिल डिपेंड ऑन डायमीटर ऑफ ड्रिल बिट एंड द फीड ऑफ द टूल, द कॉन्स्टेंट सी डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ वर्क पीस, फॉर एग्जाम्पल सी इज इक्वल टू 6.6 फॉर स्टील, स्टील के लिए। द थ्रस्ट फोर्स एफ टी, यहाँ देख सकते हैं कि एफ टी इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ स्मॉल डी एंड एफ, डायमीटर और फीड दोनों पर डिपेंड करेगा, और के की वैल्यू भी मटेरियल पर डिपेंड करेगी, यहाँ 84.7 फॉर स्टील के लिए है, 60.5 फॉर कास्ट आयरन के लिए है। ठीक है ना, तो ये सिंपल एक था कि टॉर्क या थ्रस्ट फोर्स क्या जनरेट होते हैं, कितने होते हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी हो जाए, इसलिए मैंने रखा था। इसके बाद ट्री पिनिंग एक
मतलब मैंने बताया था कि ड्रिलिंग से रिलेटेड कुछ उसी डायरेक्शन में कुछ और भी फंक्शंस होते हैं, उनके बारे में बताना। तो ट्री पिनिंग है क्या कि जैसे कोई सीट है, काफी बड़ी सीट है, चौकोर सीट है आपके पास, और आपको एक लार्ज होल कट करना है, तो हम ट्री पिनिंग टूल यूज करेंगे, ठीक है ना। और ये सिंपल ट्री पिनिंग टूल्स है, यहाँ पे जहाँ पे सेंटर से आपको जितनी रेडियस रखनी है, पायलट को यहाँ पे रखेंगे, और ये कटिंग टूल है, इसकी कटिंग एजेस काफी स्ट्रॉन्ग है, इसे रोटेट करा देंगे तो ये कट कर देगा। इस लेंथ के थ्रू हम इसकी लेंथ को कम ज्यादा कर सकते हैं, जिससे रेडियस कम ज्यादा हो सके। तो देखो क्या है, ट्री पिनिंग इज द प्रोसेस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग अ लार्ज डायमीटर होल इन द सीट मेटल। शीट मेटल में अगर लार्ज डायमीटर का होल बनाना है तो आप ट्री पिनिंग यूज करेंगे। द ट्री पिनिंग टूल कंसिस्ट ऑफ HSS टूल माउंटेड एट द एंड ऑफ एडजस्टेबल आर्म। ये स्मॉल होल इज फर्स्ट ड्रिल एट द सेंटर ऑफ होल। सबसे पहले क्या करेंगे, एक छोटा सा होल डेवलप कर लेंगे, वहां पे आपका पायलट रख देंगे। द पायलट ऑफ द ट्री पिनिंग टूल इज फिटेड इन टू द होल एंड द लेंथ ऑफ द एडजस्टेबल आर्म इज सेट टू ए रेडियस ऑफ द होल टू बी कट। द होल ऑफ 350 mm डायमीटर कैन बी कट बाई दिस मेथड। इससे करीब 350 mm मतलब 35 सेंटीमीटर लंबा तक हम डायमीटर का होल कट कर सकते हैं। अब देखो इसमें गेट 2002 में एक क्वेश्चन आ गया ट्री पिनिंग से। तो ट्री पिनिंग इज परफॉर्म फॉर, अब देखो क्या क्या है, फिनिशिंग ए ड्रिल्ड होल, प्रोड्यूसिंग ए लार्ज होल विदाउट ड्रिलिंग, ठीक है यही राइट ऑप्शन है। फिनिशिंग तो करते नहीं, ट्रूइंग ए होल ऑफ अलाइनमेंट, एनलार्जिंग ए ड्रिल होल, तो ये तो कोई बात नहीं होती, तो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन, इसलिए मैंने इसकी थ्योरी रखी। इसके बाद देखते हैं काउंटर बोरिंग। काउंटर बोरिंग में क्या होता है, काउंटर बोरिंग इज द ऑपरेशन ऑफ इनलार्जिंग वन एंड ऑफ एन एग्जिस्टिंग होल कॉन्सेंट्रिक विद ओरिजिनल होल विद स्क्वायर बॉटम। जैसे आपको क्या है कि टोटल होल आपका यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन आपको यहाँ से यहाँ तक ही इनलार्ज करना है, इतना ही डायमीटर बढ़ाना है, तो आप क्या करेंगे, काउंटर बोरिंग करेंगे। तो ये काउंटर बोरिंग टूल आता है, तो आप इसे क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे और इतने पार्ट का मटेरियल रिमूवर करेंगे, इसे काउंटर बोर होल बोलते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सिंपल थ्योरी है, इसे आप एक देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब किस पर काउंटर सिंकिंग, तो काउंटर सिंक में क्या होता है, कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह के जो आपके थ्रेडेड स्क्रू आते हैं, इन्हें आपको मटेरियल में फिट करना है। मान लीजिए इस मटेरियल के अंदर कोई थ्रेडेड स्क्रू लगाना है, तो क्या होगा, अगर जो उसकी सरफेस कुछ इस तरह की है, ठीक है, इतना पार्ट तो अंदर चला जाएगा लेकिन इतना पार्ट बाहर रह जाएगा, तो जब इतना पार्ट बाहर जा जाएगा तो ये आपका फेलियर वगैरह क्रिएट करेगा और प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इस पार्ट को भी अंदर जाना चाहिए, तो वो हम करते हैं काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन से। तो काउंटर सिंकिंग इज द ऑपरेशन ऑफ बेवलिंग वन एंड ऑफ एग्जिस्टिंग होल टू प्रोवाइड द सीट फॉर कॉनिकल सीटेड फ्लैट। जो कॉनिकल पार्ट है ये यहाँ पे बैठ जाए इस सरफेस के ऊपर, इस मटेरियल के अंदर चला जाए, उसके लिए हम इस तरह का टूल यूज करते हैं और इस तरह का सरफेस क्रिएट करके इसे इंसर्ट कर देते हैं। थोड़ा बहुत थ्योरी और देख लेते हैं। इट इज डन विद द काउंटर सिंकिंग टूल। एक कोण एंगल ऑफ 82 डिग्री इज जनरली यूज फॉर स्टैंडर्ड फ्लैट हेड स्क्रू। लगभग में 82 डिग्री इसका एंगल होता है। द डेप्थ ऑफ बेवल पोर्शन शुड बी एडिक्वेट टू सिंक द टॉप ऑफ द स्क्रू फ्लस, मतलब पूरी तरह से ये बैठ जाना चाहिए। सिंपल थ्योरी है, मैंने इसलिए रखी है कई बार इससे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। स्पॉट फेसिंग, ठीक है, स्पॉट फेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ए फ्लैट मशीन सरफेस जनरली अराउंड ए होल परपेंडिकुलर टू होल एक्सिस। इट्स पर्पज इज टू प्रोवाइड ए प्रॉपर सीट फॉर वॉशर एंड नट और ए बोल्ट हेड टू प्रोवाइड बियरिंग सरफेस टू द एनलार्ज एंड ऑफ द शाफ्ट रनिंग इन द बोल्ट। स्पॉट फेसिंग के थ्रू भी हम जिस तरह से हमने बताया कि टेपर्ड जो उसका हेड है उसे बैठाने के लिए काम करते हैं, उसी तरह से अगर जो हमें बोल्ट का हेड अंदर करना है या उसके बियर कोई वॉशर वगैरह पुट करना है तो उसके लिए स्पॉट फिशिंग करते हैं। उसके बाद आता है टेपिंग। टेपिंग में क्या है, अगर जो हमें ये हमारा होल है इसके अंदर हमें थ्रेड्स प्रोवाइड करनी है इसके सरफेस पे, तो हम क्या करेंगे, टेपिंग करेंगे। टेपिंग इज अ थ्रेड कटिंग प्रोसेस फॉर प्रोड्यूसिंग द इंटरनल थ्रेड्स इन दी होल। इस तरह से बस इतना ही है इसमें, तो आप लोग एक बार देख लें, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने IES के क्वेश्चन डिस्कस नहीं कराए हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थ्योरी में बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, और प्रोडक्शंस स्पेशली मैं बता रहा हूँ, प्रोडक्शन के अंदर जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल जो लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन हैं उन्हीं के इर्द गिर्द आते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा हटके नहीं आते, बहुत ज़्यादा डिबेट नहीं होते क्वेश्चन।
तो आप जरूर एक बार उन क्वेश्चंस को देख लेंगे तो आप आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद देखो एक इसरो का क्वेश्चन दिखाते हैं। ये इसरो 2017 का क्वेश्चन है। किसी भी बुक में आप देख लें तो ड्रिलिंग का इस तरह का क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, लेकिन आंसर बहुत सिंपल है। देखो मार्जिन बियर इन ड्रिल इज ड्यू टू, किसी बुक में आप मार्जिन बियर वगैरह ये सब आपको मिलेंगे नहीं, आप पढ़ के देख लें नहीं मिलेंगे। तो देखो इसमें दिया मार्जिन बियर इन ड्रिल इज ड्यू टू अब्रेशन, आप हमेशा ध्यान रखें एडहेसिव बियर हो या एब्रेसिव बियर हो, दीज बियर आर गिव द परमानेंट फेलियर ऑफ द टूल। ये परमानेंट टूल के फेलियर प्रोड्यूस करते हैं, कभी मार्जिन पे नहीं प्रोड्यूस करते। आपका वाइब्रेशंस वगैरह, वाइब्रेशन चैटर वगैरह जो होते हैं इनके इनकी वजह से जो है फोर्स डिसबैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन ये बहुत लार्ज मात्रा में होते हैं तो पूरी तरह से टूल फेलियर होता है, तो इसमें मार्जिन पे नहीं होता। डिफ्यूजन प्रोसेस जो है, मतलब डिफ्यूजन का मतलब है मटेरियल कुछ बाहर से आके चिपक गया, अगर इतनी हीट प्रोड्यूस हो गई तो ये भी परमानेंट टूल फेलियर का कारण है। थर्मल सॉफ्टनिंग, जो थर्मल के थ्रू सॉफ्ट होता है मटेरियल, इस पे मार्जिन बियर होता है। जैसे आप क्या कर रहे हैं, अगर ड्रिलिंग कर रहे हैं तो ड्रिलिंग करने पे क्या है कि जो टूल है वो हीटेड हो गया, तो थर्मल की वजह से, हीट की वजह से हल्का सा सॉफ्ट हो गया, सॉफ्ट होने की वजह से उसका बियर एंड टियर होता है, उसे हम बोलते हैं मार्जिन बियर। तो इसका सी ऑप्शन राइट था, जबकि किसी बुक में इस तरह का नहीं दिया गया। तो प्रोडक्शन में कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए तो हो सकता है आपने बिल्कुल ना पढ़ा हो उस चीज से तो आप ना कर पाओ उसे, लेकिन करने की कोशिश इसलिए करनी चाहिए कि वो उसके इर्द गिर्द ही आंसर होता है, तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके कर सकते हैं, क्योंकि सारी थ्योरी आप नहीं पढ़ सकते। एक एक टॉपिक के 400 400 पेज हैं, आप 400 पेज की थ्योरी पढ़ोगे तो आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो हमें क्या करना है, स्पेसिफिक पढ़ना है और उसके आसपास जो भी थ्योरी है उसे अपने कॉमन सेंस के थ्रू यूज करके सॉल्व करना, ठीक है। थैंक यू।